जनपद गोंडा के कोतवाली में करनेलगंज क्षेत्र के करुआ गांव में पंचायत भवन के निर्माण हेतु 100 से अधिक पेड़ों के काटे जाने के विरोध में पर्यावरण चिंतन समूह के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। पर्यावरण चिंतन समूह ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन में कहा है कि समूह को सूचना प्राप्त हुई कि जनपद गोंडा के कोतवाली में करनेलगंज के क्षेत्र के करुआ गांव में पंचायत भवन के निर्माण हेतु 100 से अधिक पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ कर नष्ट किया गया है, जिसकी शिकायत स्थानीय पर्यावरण रक्षकों ने एसडीएम से की थी। सरकारी भवनों या कंपनियों के अनेक उपकरण लगाने के लिए वृक्षों का कटान प्रकृति के संतुलन के लिए खतरा है। कुछ स्थानों पर गैस कंपनी द्वारा अपनी पाइपलाइन डालने के लिए वृक्षों का कटान करके पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने की भी सूचना मिल रही है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश में सरकार अथवा कंपनियों के कार्यों के लिए किसी भी स्थिति में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का विकल्प नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रकृति से ही हमारा जीवन है। यदि वृक्षों से हमारी कंपनियों के कार्य के लिए नष्ट किया जाएगा तो वृक्षारोपण करके धरती को हरा भरा करने का सरकार का विषय ही नष्ट हो जाएगा। ज्ञापन देने वालों में रमेश सिंह आर्य, विजयपाल सिंह, नेपाल सिंह, सविता पाल, शैलेश भारतीय, दीक्षा चौधरी, ओमवीर सिंह, स्वरूप सिंह, उमेश सिंह आदि लोग मौजूद थे। क्या नाम आपका? रमेश आर्य जी। किस मामले को लेकर आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया? आज हम लोग पर्यावरण चिंतक समूह के सब सदस्य हैं और हमें जानकारी हुई है कि गोंडा जनपद में सरकारी भवन यानी पंचायत भवन बनाने के नाम पर वहाँ जो है करीब 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया है। तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं कि किसी भी सरकारी भवन को या सरकारी कार्य को करने के लिए अगर पेड़ रास्ते में आते हैं तो उसका विकल्प चुना जाए कि क्या हम पेड़ों को बचा सकते हैं क्या। अगर अन्य कोई विकल्प ना हो तब कहीं वो स्थिति लाएं, अन्यथा ये पर्यावरण की रक्षा के लिए, वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति को नष्ट ना किया जाए, इस आशय से ये हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। और ये पुनरावृत्ति फिर ना हो। दूसरा ये भी है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे गैस है, गैस कंपनी अपना पाइपलाइन बिछाती है तो जो उसके सामने पेड़ आते हैं उनको काट देती है, वो अपना विकल्प नहीं चुनती कि क्या हम इन पेड़ों को बचा सकते हैं क्या। तो इन सारी बातों को कि सरकारी कार्य करने या कोई कंपनी कार्य करती है उसके कार्य में कहीं पेड़ आगे आते हैं तो पेड़ों को बचाने का पहले विकल्प चुना जाए, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाए, इस आशय से हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन है और प्रकृति अगर नहीं है तो हमारा जीवन नहीं बचेगा, इस आशय से हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं।